हे गाइस, आज मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक मोबाइल की, जो कि है पोको M2 Pro। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर जाके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक, मैं हूं शाहनवाज और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल नफी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं यहाँ पे लेके आता ही रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, एज यूजल बॉक्स के ऊपर पोको की ब्रांडिंग दिख रही है, और आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा है। तो यार, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ये सारे मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, सारे पार्ट्स तो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ ये असेंबल किए जाते हैं, तो इसे असेंबल इन इंडिया कह सकते हैं बट मेड इन इंडिया नहीं कह सकते। तो एनीवे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, बॉक्स के पीछे आप लोग को दिख रहा होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिल जाता है, और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग अड�प्टर मिलता है, और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच फुल HD डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ डिस्प्ले मिल जाता है। और बैक कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मिल जाता है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल मिल जाता है। और बैक कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल की 4 कैमरास बैक पे दिए गए हैं। तो गाइज, टाइम बिना वेस्ट किए चलिए फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो गाइज, यहाँ पे एक सिम इजेक्टर देखने को मिल जाता है, और ये एक जेली कवर मिल जाता है। तो इसको रख देता हूँ साइड में, और ये रहा मैनुअल बुक, से भी रख देता हूँ साइड में और देख लेता हूँ कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिल रहा है। तो गाइज, ये रहा चार्जर, जो कि काफ़ी वेटी है, 33 वाट का ये अडॉप्टर है। और ये रहा टाइप सी चार्जिंग केबल, इसको भी रख देता हूँ साइड में। तो गाइज, बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता है, तो हम मोबाइल को रैप से बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइज, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। गाइज, ये 4GB 64GB वेरिएंट है, और यहाँ पे सिम स्लॉट दिया गया है। तो गाइज, यहाँ पे डुअल सिम और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो आप अपनी मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगाकर मेमोरी स्पेस काफी बढ़ा सकते हैं। गाइज, इस साइड की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, और पावर बटन है, और फिंगरप्रिंट भी पावर बटन पे ही है। और इस साइड पे आपको स्पीकर देखने को मिल रहा है, और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। और बैक की अगर बात करें तो 4 कैमरा दिख रहे हैं आप लोगों को, और नीचे एक फ्लैश है छोटा सा। और फ्रंट पे एक सिंगल कैमरा है। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। और अगर ये फ़ोन आपको पसंद आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। और अगर इस फ़ोन के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।